इंशाल्लाह मोहतरम जनाब हाफिज अब्दुल रज़ाक अजहर साहब के खिताब के बाद इंशाल्लाह उनका तफसीली खिताब होगा। अब आपके सामने खिताब के लिए तशरीफ लाते हैं फजीलतुल शेख मुकर्रर शोला बयान मोहतरम जनाब हजरत मौलाना हाफिज अब्दुल रज़ाक अजहर साहेब। मोहतरम जनाब हाफिज अब्दुल रज़ाक अजहर साहेब। कुरान पाक भी पढ़ा दिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन अल्लज़ी अरसलहु बिल हक़ बशीरन व नज़ीरा व अला आलिही व सहाबिही अल्लज़ीन औफू अहदा रब्बि शराहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा सुबहानक ला इल्मा लना इल्ला मा 'अल्लमतना إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون مصطفى نہ گفتے تا نہ گفتے جبریل मुस्तफ़ा ना गुफ्ते ता ना गुफ्ते जिब्रील जिब्रील ना गुफ्ते ता ना गुफ्ते किरदिगार। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी मुख्तसर हमदो सना दे बाद अनगिनत लातादाद दुरूद व सलाम होन इमामुल कुल खत्मुर रसूल हादियुस सुबुल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अजीम हस्ती थे जिस हस्ती मुकद्दस व मुतहर दियाँ मेहनता कोशिशां और काविशनल रब्बे जुल जलाल वल इकराम ने मिन्नू तुहानू अकीद है तोही जैसी अजीम नेमत दे नाल माला माल फरमाया है। रहमता होन बख्शा होन साहबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन दे मदफना ते जिन्ना अल्लाह दे बंदियां ने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जुबान नबुवती चो निकलन वाला एक एक कलिमा ओदियाँ आबियारियाँ अपने खूना दे नजराने पेश करके कीतियाँ और शरीयत मुहम्मदिया ते अमल करन दा और साढ़े तक पहुँचान दा हक अदा कर दिता है। ऐ मौला करीम करोड़ा रहमत नाजल फरमा
उलमा मुहद्दिसीन आइमाए किराम रहिमहुमुल्लाह तआला दे मदफना ते जिन्ना अल्लाह दे बंदियां ने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जुबान नबुव्वत चो निकलन वाला एक एक कलिमा बड़ी दयानतदारी और ईमानदारी नल सड़ तक पहुँचा दिता है। स्पीकर वाला कितने वे ऐको बिल्कुल बंद कर छड़ यार, सादी आवाज़ कर दे बस। अज दा ए अजीम शान फकीदुल मिसाल प्रोग्राम जिदे अंदर असी सारे हाजिर हाँ, दुआ फरमाओ अल्लाह साडा सारे दा ना कबूल फरमाए। तुसी बड़ी देर दे बैठे हो, अल्लाह तुहानू ही अपनी रहमत दे नाल इत्थे बहन दा अजरे अजीम अता फरमाए। इस प्रोग्राम दा इनेकाद करन वाले मेरे बड़े ही प्यारे बड़े ही मोहतरम मौलाना मोहम्मद शफीक फारूकी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, दुआ फरमाओ अल्लाह फारूकी साहब नू सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। अल्लाह इन्हां दे इलम हिलम माल जान च बरकत अता फरमाए और दर्द दिल नल अज दुआ फरमाओ कि अल्लाह अली फारूकी नू, अबू हुरैरा फारूकी नू, मुआज़ फारूकी नू अपने दीन दे बेहतरीन मुबल्लिग दाई और अपने नबी दी हदीस दे मुहाफिज बना देवे। आमीन नहीं जे कही यार, अल्लाह तुहानू भी अपने बच्चियां नू नबी दी हदीस दे मतवाले बनाने दी तौफीक अता फरमाए। कारी खलील फारूकी साहब दुआ फरमाओ अल्लाह खलील फारूकी साहब नू भी जजाए खैर अता फरमाए और अल्लाह इन्हां नू सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। मेरे सामने उन सारे तुसी किदा किदा मैं ना लवा, अल्लाह तुहानू सारयां नू जजा अता फरमाए। गुन्नाउर जिहड़ा ना मैनू इन्ना अपना पिंड नहीं प्यारा जिन्ना गुन्नाउर प्यारा लगता है। यकीन जानो जदों आ गया तुहाडे चेहरे ते नज़र पैंदी है दिल बाग बाग हो गया कि या अल्लाह मेरे इन्हां भाइयां नू खुश व खुरम रखी, अल्लाह इन्हां नू हर परेशानी तो बचा के रखी। और चाचा जी वारस साहब माशाल्लाह इस मस्जिद के बानी मुबानी ने, दुआ फरमाओ अल्लाह चाचा जी नू सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। बड़िया मुहब्बत बड़ा प्यार, अल्लाह ताला उन्होंने सेहत दे तंदरुस्ती अता फरमाए। हाफिज रफीक साहब भी माशाल्लाह तशरीफ फरमा ने, दुआ फरमाओ हाफिज साहब ने भी अल्लाह सेहत वाली लंबी जिंदगी नसीब फरमाए। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना, मुख्तसर जहा इंशाल्लाह बयान होना है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस दे फायदे की ने, नबी दी हदीस से अमल करन दे फायदे की ने। चंद एक हदीसा मैं इवें दियां बयान करनियां ने, एक दो वाक्य इवें दे बयान करने ने कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आप दे फरमान ते सहाबा इकराम नबी दे फरमान दे सामने किवें तस्लीमे सरे खम कर लैंदे सन। बस मुख्तसर जी गल है वे ते तुहाडे इस मजमून नू शुरू करन तो पहला मैं ये चाहना कि तुहानू दस्या जाए कि तुहाडे इत्थे बहन दा रब मुल की पांदा है, क्यों जी पता लगना चाहिए कि नहीं? जेड़े आंदे हो पता लगना चाहिए, दोवें हाथ जरा उच्चे करो हाँ पता लगे तो किनू किनू पता लगना चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह तुहानू सारयां नू जज़ाए खैर अता फरमाए। नबी करीम सुनन तिरमिज़ी दी हदीस है, मेरे और तुहाडे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जेड़ा बंदा अपने घरों निकलता है, भाई जाज साहब आए ने माशाल्लाह जी, भाई यूसुफ साहब तशरीफ फरमा ने मस्जिद के अंदर, घरों निकले वुजू किया अल्लाह के घर च आ गए ते आए ने फी सबीलिल्लाह, कादे आस्ते? सारे फी सबीलिल्लाह आए हो ना माशाल्लाह, चौल तो वैसे भी लभने लभने ने इंशाल्लाह के खा ले जे खा ले ने अल्लाह जी माशाल्लाह। इहदा मतलब हुण ते बिल्कुल ही खालिस हो गए हो ना, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा है फी सबीलिल्लाह। सुनन तिरमिज़ी दी हदीस है, मेरे तेरे महबूब अली सलातो सलाम ने फरमाया माशाल्लाह, ए वेखो छुपे रुस्तम कारी अब्दुल कयूम साहब, कारी साहब अगे आओ यार अल्लाह दे वलियो अगे आओ, इत्थे आओ अगे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, उठ जाओ उठ जाओ आ जाओ माशाल्लाह, कोल आओ यार मेहरबानी तुहाडी। सुनन तिरमिज़ी दी हदीस है, नबी करीम अली सलातो सलाम ने फरमाया कि जेड़ा बंदा अपने घरों निकलता है, इधर आओ इधर कुर्सी दे आओ, जेड़ा बंदा अपने घरों निकलता है और पैदल चल के आया है सवारी ते आया है और मेरे आका फरमाते ने मनेग बर्राता मनेग बर्राता, तवज्जो है मेरे वाल सारे दी,
من غبرت قدماه في سبيل الله من غبرت قدماه في سبيل الله गुनाहरियो मैं तुहानू अल्लाह दा वास्ता दे के आना ऐ हदीस नू सारी जिंदगी वास्ते अपने मथे दा झूमर बना लवो अपनियां झोलियां दी जीनत बना लो। अल्लाह दी कसम बड़ा प्यारा मेरे महबूब दा फरमाने ग्रामी है और मेरे आका दी जुबान चो निकलन वाला एक एक कलेमा जेड़ा है मेरे रब ने फकीतुल मिसाल बना छड़े है। ओ लोगो दुनिया दे पीर दुनिया दे शाह दुनिया दे गदा लोगों दे मुफ्ती लोगों दे पीर दुनिया दे आदी ओ लोगों दे मुर्शिद मैं क्या करना उन्हां दीयां जुबानां चो गलत निकले है गलत निकले है गलत निकल रहे है। कायनात दी रब दी कसमे जमीन दे सीने दे आसमान दी नील गुच्छत दे थले इक्को ही हस्ती ऐसी आई है जिस हस्ती दी जुबान नबुवत चो जो कुछ निकले है मेरे रब ने कुरान बना छड़े है मेरे मालक ने हदीस बना छड़े है मेरे तेरे वास्ते रब ने मशाले राह बना दिता है। मन गबरत कदमाह फी सबीलिल्ला करो निकले हो कोई साइकिल ते आया कोई मोटरसाइकिल ते आया कोई पैदल आया फरमाया हो मेरे फरमान सुनने वास्ते आने वाले हो और जिदे जिदे कदमा ते मिट्टी पै गई इस राह ते कपड़िया ते मिट्टी पै गई सिर च मिट्टी पै गई अल्लाह अकबर महबूब ओदे नाल रब दा सलूक की है। फरमाया हर्रमहुल्लाहो हर्रमहुल्लाहो अलन्नार अल्लाह ने उस बंदे ते जहन्नम दी अग नू हराम कर दिता है। अल्लाह साढ़े सारे ते जहन्नम दी अग नू हराम फरमा अल्लाह सानू सारे नू जहन्नम तो महफूज फरमा लै। अल्लाह मेरिया बेटियां मेरिया मावं मेरिया भैन भी तशरीफ फरमा ने अल्लाह मेरे बुजुर्ग नौ और नौजवान साथी मेरे वडेरे अल्लाह सारे नू सानू अज दा बैन दे इवज दे अंदर सानू जहन्नम दी अग तो महफूज फरमा लई। फरमाया हर्रमहुल्लाहो अलन्नार अल्लाह ने उस बंदे नू जहन्नम दी अग तो बचा लिया अल्लाह ने जहन्नम दी अग नू आराम कर दिता और नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते ने दूसरी हदीस तुहाडे वास्ते फरमाया जड़ा अल्लाह दे वास्ते अल्लाह दे दीन वास्ते अपने घरों निकल पैंदा अल्लाह दे घर जाके बह जांदा है वाला हो अजरुल हाज फला हो अजरुल हाज ओए आन वाले हो अल्लाह तुहाडियां मेहमानियां दियां कदरदानियां कर रहा है। फरमाया ओए मस्जिद जाके सुन वाले हो मैं रब तुहानू एक हज दे बराबर अजर ते सवाब अता कर देवांगा। अल्लाह सानू सारिआं नू हज दा वी अजर अता फरमा ते हज दा अजर पता किन्ना है सुभान अल्लाह ला यरफाओ ए बेलुल हाज रिजलन वला यदा जामी सगीर दी हदीस है फरमाया जी दी सवारी कदम चुक दी है अल्लाह एक एक कदम ते दस दस नेकियां लिख दे जांदे ने दस दस अल्लाह गुनाह माफ कर दे जांदे ने वरुफे अलो बेहा आशारो दरजा और गुनाहरिया जन्नत के अंदर अल्लाह दस दर्जे बुलंद कर देंदे ने अल्लाह अकबर। और मेरे आका फरमांदे ने जदो हज करके वेला हुंदा है आसमाना तो रहमान ऐलान कर देंदे ने अल्लाह फरमांदे ने खराजता मिन खदाया
پاک خراجت من خطایا کا یوم ولادت کا ام کا اوے میرے بندیا آج میں تیری زندگی دے جننے بھی گناہ لے کے آیا ہے جیڑیاں کمیاں کتائیاں تیرے کول ہو گئیاں آج میں رب نے او تیریاں ساریاں کمیاں نو معاف کر دیتا ہے اور آج انجی ہو گئے ہیں کا یوم ولادت کا ام کا آج انجی ہے جڑی میں تیری ماں نے تینو آج ہی جنم دیتا ہے ایڈا وڈا اجر اینا بڑا ثواب ہے اینا مجلسہ چاہ کے بہ کے تے قرآن سنن دا تیو بھی تے اینے جڑے راتا گانے سن کے ٹر جاندے نے رات قوالیاں سن کے ٹر جاندے نے ایو بھی تے اینے رات چوریاں کر دے نے ڈاکے مار دے نے اور ڈے رہے ہیں تو مجھا کھول کے لے جاندے نے بے ایمان ظالم ایو بھی تے اینے جنہ دیاں راتا اللہ دیاں نا فرمانیاں تے شراب دیاں پٹھیاں تے گزر دیا نے تو اسی خوش قسمت ہو جنہ نو رب نے اپنے کارے چے جگہ عطا فرما دیتی ہے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث دے متعلقہ میں چند گزارشات کرنی ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث لوگوں کائنات دی ہر زبان جو غلط نکل سکتا ہے لیکن میرے آقا دی زبان جو نکلے ہے حق نکلے ہے سچ نکلے آئے حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سنن ابی داؤد اور دیگر حدیث دیا کتابہ دے اندر موجود ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ فرمان جاری کر دے حضرت عبداللہ ابن عمر لکھ دے سیابان دے نے عبداللہ نبی علیہ السلام کدھی غصے چن دے نے میرے آقا کدھی خوشی چن دے نے آقا کدھی غم چن دے نے اللہ دے نبی نے کدھی کسے حالت اچھ کدھی کسے حالت اچھ تو سب کو جی لکھ لئی نے تے عبداللہ انج نہ کریا کر تے سیدن عبداللہ ابن عمر کائنات دے امام علیہ السلام کو لائے آکے ہم دے نے سوڑیا محبوبہ تو سی جو کچھ بیان کر دے ہو میں لکھ لئی نہ وہاں تے اللہ دے نبی منو س ساتھیاں نے روکے ہے تے کیا منو باز آ جانا چاہیے رک جانا چاہیے میرے آقا فرمان دینے اکتوب یا عبداللہ اکتوب یا عبداللہ ماشاءاللہ ویکھو حافظ سفیان سوری صاحب مولانا شرف نعیم صاحب ڈس کے تو تشریف لے آئے نے دعا فرماؤ اللہ علماء کرام دی حفاظت فرمائے حافظ زبیر مجاہد صاحب ماشاءاللہ سادو کی تو دعا فرماؤ اللہ سارے ساتھیاں دانا قبول فرمائے نبی کریم علیہ السلام فرمان دینے اکتب یا عبداللہ عبداللہ پیارے اگر سن لے جو کچھ میں بیان کرنا ماں جو کچھ میں کہہ رہا ماں جو کچھ میری زبان چو نکل دے سوڑیا سارا کچھ لکھی آیا گارا سب کچھ لکھ لیا گارا واللہ نفسی بے یادی منو قسم او ذات دی جس ذات دے ہاتھ دے اندر میری جانے لا ما یخرج من فمی الا الحق او سونے ہم میری زبان چوں جو کچھ نکل دائے حق ہی نکل دائے جو نکل دائے سچ نکل دائے حق نکل دائے ضابطہ قانون دستور میری زبان چوں غلط نکل سکتا او دے لبان دے او تے رب بول دا سی سونا رحم تا موتی رول دا سی او دے لبان دے او تے رب بول دا سی سونا رحم تا موتی رول دا سی اللہ اکبر اللہ اکبر اور اللہ دی قسمے میرے آقا دا ایک ایک فرمان میرے تیرے واسطے خیر بن کے آیا ہے خیر بن کے آیا ہے خیران دا منبع بن کے آیا ہے میں آج یہ حدیث پڑھ رہے ہیں سب مسند احمد دی میرے تے تواڑے محبوب پہ غم پیغمبر جناب محمد بلند آواز نہ درود پڑھو بلند آواز نہ جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका फरमांदे ने ओ बंदा मन रा साहेब अल बला, मन रा साहेब अल बला। ओ लोगो जड़ा अपनी अखां नाल किसे ऐसे बंदे नूं वेख लैंदा है जड़ा किसे अजमैश दे अंदर पिया है, की मन है बंदे दियां नजरां किसे नबीना बंदे ते पै जांदियां ने, बंदे दियां नजरां किसे माजूर बंदे ते पै जांदियां ने। अपनी अखां दे नाल ऐसे बंदे नूं वेख लैना है जड़ा बंदा ज़ेहनी तवाज़न खो बैठा है, ऐसे बंदे नूं वेख लैना है जिस बंदे दे दे गुर्दे वाश हो रहे ने, हार्ट दी मरज ला प्रॉब्लम बन गई है, दिल ता मरीज बन गया है, अखां तो नजर नहीं आ रहा, कन्ना तो सुन नहीं सकदा। फरमाया मन रा आ साहेब अल बला। ओ लोगो जिन्ने ऐसे बंदे नूं वेख्या, वेखन तो बाद फिर दुआ पढ़दा है, अलहम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी मिम्मबतला कबई व फज़लनी अला कसीर मिम्मल खलका तफजीला। मेरे आका फरमांदे ने दुआ पढ़दा है, दुआ याद जे क्यों अफजी याद जे ते तुहानू भी याद है, जिन्हों जिन्हों याद है हाथ खड़ा करो, अंदर इंज करके एक हाथ खड़ा करना। कारी साहब यह बुनियादी गलती है साड़ी, बुनियादी गलतियां ने बुनियादी गलतियां बचपन तो लैके असी दीन अपनी जरूरत समझिए ही नहीं, दीन अपनी जरूरत नहीं बनाया। सारी जिंदगी गुजर गई है दुआवां ना याद हो सकियां। नौजवानों लव स्टोरियां आंदियां ने, एम ए इंग्लिश करने वाले एम ए इंग्लिश दी इंग्लिश दी स्टोरियां सारियां जुबानी याद करते ने, गाने याद, नावल याद, स्टोरियां याद, और जनाब बड़िया बड़िया फिल्मों के सीने इन्हों के सीने च महफूज ने, दिमागों च बंद ने। लेकिन बदकिस्मती यह है कि मुहम्मद करीम का उम्मती अज रब के कुरान तो बेगाना हो गया है, मेरे महबूब की हदीस तो बेगाना हो गया है। जरूरत है वे बच्चों इंजीनियर बनाओ, जरूरत है वे बच्चों डॉक्टर बनाओ, जरूरत है वे अपने बच्चों जनाब टीचर लवाओ स्कूलों के अंदर, जरूरत है वे मेरा बच्चा साइंस अगे निकल जाए, मैथ बेहतरीन पढ़ ले, बीएससी कर ले, एमएससी कर ले, बीएड कर ले, एमए इंग्लिश कर ले, दुनियावी डिप्लोमे कर ले, दुनिया दी डिग्रियां ले ले, ते मेरिया इज्जत बुलंद हो जाए, मेरा मुकाम वध जाएगा। अल्लाह की कसम मुकाम वध दे, मुकाम वध दे, कायनात दे इमाम दी हदीस दी चौकी दारी करे वद्दा है। मेरे अजीजो अल्लाह तुहाडी मोहब्बत नूं कबूल फरमाए। मेरे अजीजो ए दुआवां ने कादे वास्ते, हुण जरा अंदाजा करो के इन्ना बड़ा पैगाम किस जुबान चो, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, जिस जुबान चो निकले गलत हो सकता। ओयो दे लबां दे उते खुद रब बोले, ओ दे लबां दे उते खुद रब बोले, सोना रहमतां दे मोती रोले, कुरान जिदी हर बात बनी। अल्लाह दी कसमें वेख कैसे कैसे मेरे महबूब दे फरमान ने, फरमाया मन रा साहेब अल बला। और जिन्हें किसी अजमैशदा बंदे नूं वेख्या और वेख के दुआ पढ़दा, अलहम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी मिम्मबतला कबही वफज़लनी अला कसीर मिम्मल खलक तफ़ज़ीला। ये दुआ पढ़दा मेरे आका फरमांदे ने ओ बंदा इल्ला उफिया
कायन मा काना मा आजा। और जब तक तेरी जिंदगी ये बंदा वेखे है, एक्सीडेंट होया, दोनों लत्ता टूट गई ने, वेखे ही वेख के पढ़ने अलहम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी मिम्म अबतला कबही वफज़लनी अला कसीर मिम्मन खलक तफजीला। मेरे आका फरमांदे ने सारी जिंदगी अल्लाह तेनु ऐसा एवें दिया हादसों तो बचा लवेगा। अखा तो माजूर बंदे नु वेख के पढ़ना, अल्लाह तेरिया अखा जाया नहीं होन देवेगा। और दोस्ता ने बहरे बंदे नु वेख के पढ़ना, अल्लाह तेरे कन्ना नु महफूज रखेगा। कायन मा काना मा आशा, जब तक जिंदा रहेगा रब हादसों तो बचा के रखेगा, जब तक जिंदा रहेगा रब बीमारियां लाचारियां तो बचा के रखेगा। नारे शाने मुस्तफा, मुस्तफा। मेरे भाइयों, ए दुआवां नबी दी हदीस से अमल करना, ए सिखिए हदीस से अमल करना, और मेरी तुहाडी नजात है ही रब दे कुरान च नबी दी हदीस च। और अहले हदीस दा ते अकीदा है मनहज जड़ा इन्हां दो चीज़ां तो छड़ के किसी तीसरी चीज़ वल लभदा है और कामयाब हो सकेगा, वो कामयाब नहीं हो सकता। जिन्ने मर्जी दावे करे, जो मर्जी कर ले, वो ये दोवें चीज़ां, दोवें चीज़ां। और जिदे हाथ कुरआन हदीस होवे, जिदे हाथ कुरआन हदीस होवे, जिदे हाथ कुरआन मजीद होवे, ते हदीस दिवी ताईद होवे। एक हाथ च कुरान है, दूजे हाथ च कायनात दे इमाम दी हदीस है। ते मौलाना समसाम फरमांदे ने, समसाम मैदान दा मालक हो, समसाम मैदान दा मालक हो, इना मुशरक शरीरानू की जाने, जिस वेख्या हुसन मुहम्मद दा तेरे बदर मुनीरानू की जाने। और अल्लाह दी कसम है अले हदीस ने, जदो तो असी अलहम्दुलिल्लाह असी कायनात दे इमाम दी हदीस, कायनात दे इमाम दा कलिमा पढ़ लिया, लोगों मेरे आका अली सलातो वसलाम दी हस्ती ऐसी है कि मेरे महबूब दा कलिमा पढ़ लैन तो बाद अगर किसी होर वल वेखेगा, मेरा रब कदी भी तेनु कामयाब होन देवेगा। ये ते जेब ही नहीं देंदा। कायनात दे इमाम दी हदीस होए, तू अपने मौलवियों दी फतवे चुकी फिरे, तू अपने मौलवियों दी गल्ला करी फिरे, ना 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 मेरे वीरा, अवेख तू मैं की शह वा। मैं गल कर लगा सारी जनाब 22.5 लाख मुरबा मील दे हुक्मरान सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु दी, और जिन्हों का नाम इटली देवाना चलिया जाता, और मुरखीन ने लिखा है इटली दे एवान लर्जा बरंदाम हो जाया करते सन, उन्हां दे पैरा थले जमीन लिकर जाती सी, उन्हां दे पसीने छुट पैंदे सन जदों हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा नाम लिया जाता। और मेरे आका ने फरमाया, लो कान आबादी नबी काना उमर, अगर मेरे तो बाद कोई नबी आना हों, अल्लाह नबुव्वत दा ताज उमर बिन खत्ताब नूं पहनांदा। जमीन ते राय दें दे आसमाना तो मेरा रब कुरान बना के नाजल कर छड़दा। लेकिन एक वेले होया कि अल्लामा इब्नुल असीर रहमतुल्लाह अलैह ने और हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखिया है, एक दे नाम हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु दे कोले केस आया, एक मजनूना और दीवानी औरत दे नाल किसी ने बदकारी की। हजरत उमर फरमान लगे दे ते हद कायम कर दियो, सहाबा लै गए रजम करन वास्ते, ते अगो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु आ रहे सर। हजरत अली फरमान लगे, हो किधर लैके जा रहे हो? आख लगे जी, ए हजरत अमीरुल मोमिनीन दा आर्डर है, ऐस बीबी नू रजम करना है, एदे ते हाथ लानी है। ते सैयदना अली अल मुर्तजा कबो रजी अल्लाह ताला
रजी अल्लाह तआला नो हजरत अली उल मुर्तजा फरमांदे ने ओ इस बीबी नु छड़ दियो। आख लगे जी अमीर उल मोमिनीन दा आर्डर है ते अमीर उल मोमिनीन दी हैबत जलालत तो कौन वाकिफ नहीं है। आख लगे हजरत जी ए ते अमीर उल मोमिनीन दा आर्डर है। फरमाया अमीर उल मोमिनीन नु मैं आपे ही मिल लेना, तुसी जाओ जाके उन्हां नु दस दियो अली उल मुर्तजा ने इस बीबी नु छुड़ा दिता है। हजरत दे कोल वापस गए। आख लगे जी हजरत अली ने फैसला वापस कर दिता है। सैयदना अली उल मुर्तजा ने कहा जाओ इस बीबी नु छड़ दियो और जाके हजरत उमर तक मेरा पैगाम पहुंचा दियो। ते सैयदना उमर आंदे ने बुलाओ अली उल मुर्तजा नु। हजरत अली नु बुलाया गया। फरमाया अली ए ते दसो मेरा कीता फैसला रद्द कीता जे वजह की है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ते सैयदना अली उल मुर्तजा फरमांदे ने या अमीर अल मोमिनीन अमा समेता हदीस रसूलिल्लाह। अमीर उल मोमिनीन तुसी कायनात दे इमाम दी हदीस नहीं जे सुनी है। अल्लाह दे नबी दा फरमान नहीं जे पढ़िया। फरमाया अली दस केड़ा नबी दा फरमान है। फरमाया रुफे अल कलम अन सलासिल। ओ तीन बंदियां तो अल्लाह ने कलम उठा लिया। तीन बंदियां कोलो कोई भी हरकत सरजद हो जाए अल्लाह उन्हां दा मुआखजा नहीं करते। रुफे अल कलम अन सलासिल तीन बंदियां तो कलम नू उठा लिया गया। पहला बंदा फरमाया अन सबी हत्ता यबलुगा बच्चे तो कलम उठा लिया गया। बच्चा सिन्ने बलूगत नू पहुंचेगा फिर दीनी अहकामात दा मुकल्लफ ठहरेगा। अनन्नाए में हत्ता या सही केजा सुते हुए बंदे तो कलम उठा लिया गया है। और तीसरा बंदा फरमांदे ने अनिल मजनून हत्ता यफीगा ओ दीवाना ते मजनू पागल बंदा जेड़ा है ओदे तो अल्लाह ने कलम उठा लिया। ते अमीर उल मोमिनीन ये ते दीवानी ते मजनून औरत है तुसी ये ते हद ला दिन लांदियां आर्डर जारी कर छड़े ने अमा समेता हदीस रसूलिल्लाह। नबी दी हदीस नहीं जे सुनी ओ आओ गुन्ना और यो अंदाजा करो ओ मैं ते क्या करना हनफियो ओ गैम है इमामे कायनात दी हदीस नू छड़ के गैरा वाल अपने आप नू मनसूब करने वाले आ तेरा मुकाम देखा। मैं अमीर उल मोमिनीन उमर बिन खताब का मुकाम देखा। नारे तकबीर शाने सहाबा शाने उमर हजरत मौलाना हाफिज अब्दुर रजाक अजहर साहब सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला जाअला उमर युकब्बिरु उची उची अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर नाले परेशान अखा चो आंसू अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ते जुमला पता की गया फरमांदे ने लौला अलीयुन हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने नहीं किया मैं अमीर उल मोमिनीन 22 लख मुरब्बा मील का हुक्मरान अली तेनू जुरत किवें हुई है तू मेरा फैसला वापस करे। हजरत सैयदना अली अल मुर्तजा ने हदीस पढ़ी है ते सैयदना उमर बिन खत्ताब फरमांदे ने इन्नमा कान कौल अल मोमिनीन इज़ा दऊ इलल्लाह व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यकूलू समेना वाताना ऐजे अले हदीस दी दावत समेना वाताना वा ओलाए कहमुल मुफले हो। जिन्हें क्या हदीस सुन के समय ना वाताना सोने का नादे इमाम दी हदीस आ गई है किसे दूसरे दी गल चल सकती इमाम अबू हनीफा दी इमाम शाफी दी इमाम मालक दी इमाम बुखारी दी इमाम अबू दाऊद दी इमाम तिरमजी दी किसे मौलवी दी किसे पीर दी नहीं चल सकती। काबा दे रब दी कसमे कायनात दे इमाम दे फरमान दे सामने कायनात दे किसे इंसान दी गल दी कोई वक्त नहीं। ऐ ते मसलक अहले हदीस है और अहले हदीस ने मसलक लिया कितों है एक कुरान चो और नबी दी हदीस चो। सैयदना उमर की फरमाते ने समय ना
वाताना। फरमाया अली मेरे को गलती हो गई है ते या अल्लाह तेरा शुक्र है। लौला अली लहालाका उमर ओए अज अगर अली ना आंदा उमर हलाक हो गया सी, अज अगर अली ना आंदे उमर बर्बाद हो गया सी। अगर ऐसा औरत हद लग जाती कियामत वाले दिन उमर बिन खताब अपने रब दे सामने केड़ा मुंह लेके आंदा। मेरे अजीजों मेरे साथियों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस दे गुलशन दी सैर करे अगर इन्ना प्यारा गुलशन वाह वाह बाग मुहम्मदी सोना वाह वाह बाग मोहम्मदी सोना ते जिस दा माली सोना सैयद अशरफ सब जग नालों ते पाक जमालों सोना ओए आन मिले ने बाग मोहम्मदी आन मिले ने ओए बाग मोहम्मदी ओ नेक नसीब जिनां दे काफिर फासिक जालम ये तो परे परे पे जान दे ते गुनाहियो या रब कर मंजूर दुआई आखो उची आवाज नाल आमीन। या रब कर मंजूर दुआएं ओए अल्लाह दी कसम मैं ते क्या करना अल्लाह अपने पैगंबर दे रोजे अतहर ते करोड़ा रहमत नाजल फरमा। अल्लाह अगर तू अपना पैगंबर ना कल दो शायद अज असी भी मड़ियां पूजन वाले होंगे, अल्लाह असी भी मिजारा नू पूजन वाले होंगे, कबरां ते डिगन वाले होंगे, कबरां दे मुजावर बन के बह जाते, गैर अल्लाह की नजरों न्याज तो पलन वाले हुंदे, गैर अल्लाह दे नाम दे ज़बीह करन वाले हुंदे, गैर अल्लाह दे नाम दियां कसमां उठान वाले हुंदे। अल्लाह अपने पैगंबर दे रोज़ा या तहरते अरबा खरबा रहमत नाज़िल फरमा। जिस महबूब दियां तालीमात मिल गईयां अल्लाह शिरक दियां गिलासतां तो बचा लिया, रब ने सानू बिदात तो महफूज फरमा लिया और अपने पैगंबर दी हदीस दा साहिबान अता कर छड़िया। आ वेंदे नहीं जी तुहाडे गवांढ च हदीस दे साहिबान नूं मन दे दे की आंदे ने नहनु मुकल्लिदू ना यजब अलैना तकलीदो इमाम अबी हनीफा। असी मुकल्लिदा साडे ते इमाम अबू हनीफा की तकलीद वाजिब है, असी हदीस नहीं मनते, नहीं मननी हदीस। अल हक वल इंसाफ अल शाफईए इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह दी गल किताब व सुन्नत दे मुताबिक है, लेकिन असी चूंकि मुकल्लिदा मुकल्लिद इमाम साहब दी तकलीद तो अलावा किसी होर दी गल नहीं मनदा। ओ अहले हदीसो अल्लाह दा शुक्रिया अदा करो अल्लाह ने तुहानू अहले हदीस बनाया। या रब कर मंजूर दुआएं ते तू फजलां दा साईं बाग मुहम्मदी अंदर रखी ते एदे विच उठाएं। बाग मुहम्मदी एक कुरान और एक हदीस, एक कुरान एक नबी दा फरमान। अल्लाह अकबर दो हदीसा में बयान की ने। तीसरी हदीस मेरे ते तुहाडे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने। अवेख जदों हदीस आईए वे रब किन्ने मसले हल कर देंदे ने। नबी करीम अली सलातो सलाम फरमांदे ने मन दखला बैता हो बेसलाम। ओ जिहड़ा बंदा अपने घर च दाखल हुंदा है, घर च दाखल हुंदा है ते घर वालियां नूं बीवी बच्चियां नूं सलाम कह के घर दे अंदर दाखल हुंदा है, मेरे आका फरमांदे ने इन आशा रोजे का
वाकूफिया। सलाम कह के घर च दाखिल होया सैं, ओए सूदी कारोबार करन वाले हो, राशियो झूठ बोलन वाले हो, बदे अंतियां करन वाले हो, आ दुनिया के माल मंडी रुपये पैसे वास्ते ए जनाब बस जुबानियां करन वाले हो, चोरियां करन वाले हो, चकारियां डाके रहजनियां करन वाले हो। आओ नबी दी हदीस पढ़ लवो, अल्लाह की कसमें अल्लाह रिज़्क़ दियां फराखियां कर देवेगा, अल्लाह तंग दस्तियां दूर कर देम दे, अल्लाह परेशानियां दे रुख मोड़ देवेगा, रब आसमाना तो रहमतां दियां बरखा बरसा देवेगा। फरमाया घर च दाखल हुन्ना ते गमन दाखल बैता हो बेसलाम, घर च दाखल होन लगे घर वाले नू सलाम किया कर, सोने सलाम कवांगा की फायदा होएगा। मेरे आका फरमांदे ने इना आशा रोजे का वकूफिया, अगर जिंदा रहेगा अल्लाह इना रिजक देगा, अल्लाह इना रिजक देगा, कदी बीक नहीं मंगनी पेगी, कदी दस्ते दराज सवाल वास्ते नहीं करना पेगा, बेटियां दियां शादियां वास्ते जहेज वास्ते बीक नहीं मंगनी पेगी, अल्लाह जी की फायदा होएगा। फरमाया मैं रिजक दियां आसानियां कर देवांगा, और अगर मर गयो ना घर च सलाम कह के दाखिल होया सै, मौत आ गई है, इन माता अद खलाहुल्लाहुल जन्ना, अगर मौत आ गई मैं रब जन्नत अलाट कर दे, मैं रब जमानत देना जन्नत अता कर देवांगा। ए कितों फायदे लभदे ने, फिका चो लभदे ने फायदे, क्यों जी केड़ी फिका चो फायदे लभदे ने, ए फवायद लभदे ने ते मेरे महबूब दी हदीस ही चो लभदे ने। अल्लाह अकबर। और सहाबा अमल इवें दा करदे, इन्ने अमल दे धनी, इन्ने अमल दे धनी। सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला ने, सही मुस्लिम दी हदीस है किताबुल आदाब दी, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला ने, एक दफ़ा ना गधे ते सवार होकर जान डे सन, रस्ते दे विच एक बंदा मिलिया, यह है कौन है, ये हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला ने दा दोस्त है। तो सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला ने जो वेख्या कि मेरे अब्बा जी का दोस्त है, अपने सिर तो पग ला के ते अपने अब्बा जी दे सर दोस्त दे सर ते रख दी, अपने वालदे ग्रामी दे दोस्त दे सर ते रख छड़ी, ते जेड़े गधे ते सवार सन ना वह गधे तो थले उतर गए, इंज समझो कि जिवें कम अज कम मोटरसाइकिल तो थले उतर गए। मोटरसाइकिल ते बंदा जा रहा होए, अगो अब्बा जी का दोस्त मिल पे, तो वह बंदा मोटरसाइकिल तो थले उतर के कवे लो चाचा जी मोटरसाइकिल तुसी ले लो, तुसी मेरे अब्बा जी के दोस्त हो। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमान लगे, चाचा जी ए सवारी भी लै लो ते ए पगड़ी तुहाडे सिर ते रख दी है। कहन आलिया क्या ये बदवी देहाती लोग ने, छोटियां थोड़ी थोड़े तोहफिया दे ते राजी हो जाते ने, ते हजरत जी ये तुसी अपनी सवारी भी दे छड़ीए, पग भी ला के दे छड़ी जे, वजह की है, आ नबी दी हदीस ते अमल इंज कर ते वेख रब किरियां बरकत अता करदा। सैयदना हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला नो फरमान लगे, समे तो रसूल अल्लाह इन्ना मेना अबर बिर सिला तो राजोले आहला बुद्धे अभी। ओ लोगो बंदा दुनिया ते जड़ा वड़िया वड़िया नेकियां करदा है, वड़िया वड़िया नेकियां वड़िया वड़िया गुना उड़ियो, अपने चाचिया नाल, अपने ताया नाल, अपने दोस्तों नाल, अपने साथियों नाल, अपने मामिया नाल, अपने पुप्पिया नाल नाराज फिरना, अपने रिश्तेदारा तो कटिया फटिया फिरना। अवेख ये ते करीब दिया रिश्तेदारियां ने, वो सके बाप दे दोस्त दे नाल उसने सलूक करन दा। मेरे आका फरमांदे ने इन्ना मेन अबरल बिरी सिला तो अब्बा जी दुनिया तो चले गए, ते अब्बा जी दे दोस्तां नाल जाके प्यार
करया कर अब्बा जी दे दोस्तां नूं जाके मिलया कर अब्बा जी दे दोस्तां नाल उन्हां दी खिदमत करया कर। मेरे आका फरमांदे ने कियामत वाले दिन जड़े वड्डे वड्डे अमाल लैके आएगा उन्हां च भी तेरियां नेकियां नोट होंदियां ये भी नेकियां लिखियां होंदियां। अंदाजा करना नबी दे साथी किवें नबी दी हदीस ते अमल करन वाले ने। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। और जो हदीस आ जाती मेरे आका अली सलाम दे सियाबा दियां जुबानां ते यही कलिमात हुंदे समेना व अताना समेना व अताना व औलाए का हुमुल मुफले हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सहाबी सी जुलैबी काला जहा रंग मोटे मोटे ओंड माड़ा जहा ते किधरों आया वेखदा वकांदा गुलाम नबी पाक अलैहि सलातो सलाम दे कोल आया मस्जिद नबी दे अंदर सुफा च पढ़दा पिया अल्लाह अकबर। इमाम कांदलवी यादु साहबा दे अंदर मुसनद अहमद दे हवाले नाल बड़ी तफसील नाल लिखिया है कि सैयदना जुलैबीब नबी करीम अलैहि सलातो सलाम दे कोल आए आके आखन लगे अल्लाह दे रसूल लोग अपने छोटे छोटे बच्चे उंगलियां नाल ला के लैके आंदे ने ते सोहणिया मेरा भी बड़ा दिल करदा रब मैनू भी औलाद देवे ते अल्लाह दे नबी मेरा किधरे रिश्ता ही करवा दियो। आपने फरमाया जुलैबीब जा फलाने बंदे दे घर जा उन्हें जाके कह मैनू अल्लाह दे नबी ने भेजा अपनी बेटी का रिश्ता मेरे नाल तय कर दियो। कैसा अजीब अंदाज है रिश्ता लैन का भी तो देन का भी है जी। सियाबी आंदा मैं सुनिया तो मैं चला गया दरवाजे ते जाके दरवाजा खड़काया घर वाला बहर आया जी किवें आए हो मैं जी जुलैबीब आ मैनू जानते हो हाँ जी जानने कितों आया मस्जिद नबी सुफा दे चबूतरे तो आया ए सुफा यूनिवर्सिटी चो आया कायनात दे इमाम दा तलमीज ए रशीद आ अल्लाह दे नबी ने मैनू घल्लिया तुहाडी धी जो आने तुसा क्या सी अल्लाह दे नबी नू रिश्ते वास्ते ते सोने अल्लाह दे नबी ने मैनू कहा जा उन्होंने दरवाजे ते जाके उन्होंने कह अपनी बेटी का निकाह मेरे नाल कर दियो। अल्लाह अकबर आखा लगे अच्छा घरवाली नाल मशवरा करना आना उशावर माउमेहा उदी वालदा नाल भी मशवरा करना। कई बंदे बीबिया नाल मशवरा कर लगे समझते ने किधरे मैं रन मुरीद ना हो जावा वह ये समझते ने कि लोग कहते रन मुरीद वह एवें दी मुरीदी करनी चाहिए मशवरे करने चाहिए ने जिसने पाले है जन्म दिता है पाले है पोसे है जवान किया है उस मां का ज्यादा हक है उस मां नाल मशवरा किया जाए। कहन लगे मां इहदे नाल मशवरा करना फिर दसना दोनों मियाँ बीबी बह के मशवरा पे करते ने ते आख लगे अल्लाह दे नबी अली सलाम ने भेजे है ते घर वाली आंदी है अल्लाह वाले वो तियां दे रिश्ते करदे हो ना वेंदे हो की कुछ वेंदे हो तलाश कर करके पुछ पुछा के यार मुंडा के लिए सिगरट तो नहीं पींदा पान तो नहीं खाता नशा तो नहीं करता ये किवें दे लोग ने झगड़ालू तो नहीं खराबियां करने वाले तो नहीं जराइम पेशा तो नहीं मुंडा कारोबारी होना चाहिए सोहना होना चाहिए सुनखा होना चाहिए सारा कुछ वेख वाह के फिर भी नाल गवांडियां आंडियां को पुछते हो और इन्हां दे बारे दसो किवें दे लोग ने ते घरवाली कहन लगी करमा वाले हो ना इहदा कारे ना वारे ना रंगे ना टांगे ते कित्थे धी देण लगे हो इहने आ नाज़ो नियाम दे इहने आ नखरिया नाल धी नूं पालिया जवान कीता ते कित्थे बेटी नूं रोड़न लगे हो। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इहनियां गल्लां दोनों मियाँ बीवी पे करदे ने ते उह बेटी भी सुणदी है ते सुणन वाली बेटी आउंदी है अम्मा प्यारीए आ जिहड़ी गल करनी है मां जी इस गल तों रुक जाओ अम्मा जी तुहानू पता नहीं ये पैगाम कित्थों आया जिस पैगाम वास्ते आसमाना तो रहमान ने आर्डर कर छड़िया इन्नमा कान कौलल मोमिनीन इज़ादु इल्लाह व रसूलही लियहकुम बैनहुम अयकुलू समेना वाताना समेना वाताना वा ओलाए कहमुल मुफले हो। अम्मा जी तुसी नहीं कुरान पढ़िया फला व रब्बिक ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अन्फुसिहिम हरजम मिम्मा कज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा।
अम्मा कुरान नहीं पढ़िया, अम्मा कुरान नहीं पढ़िया। अल्लाह अकबर। फरमान लगी माँ जी अल्लाह दी कसम इन अल्लाह व रसूलहु इन अल्लाह व रसूलहु। अम्मा मैनू मेरे मालिक दी अजमत दी कसम है, मेरा अल्लाह ते मेरा अल्लाह ते मेरे अल्लाह दा रसूल मैनू कदी जाया नहीं करन दे। अम्मा प्यारीए जेड़ा अल्लाह दे नबी ने मेरे वास्ते रिश्ता सिलेक्ट कर दिता है ओनू रिजेक्ट ना करो, सुनो अल्लाह एदे विच ही मेरे वास्ते खैरा पा देवेगा। सोने ने भेजिया बंदा एक काले जे रंग दा, सोने ने भेजिया बंदा एक काले जे रंग दा, साडे कोलों रिश्ता यो बेटी दा ए मंगदा। आख लगे सलाह दियो की सलाह दे, एक गल्ला करदे ने ते बेटी पता की आंदी है। आख दी बेटी अम्मा बस कर जान दे, ए काले ते गोरे नहीं हो कम ईमान दे, असी आम बदे हुक्म नबी सुल्तान दे, गुंजाइश इनकार थे नहीं। अम्मा कुरान पढ़ ले इन्नमा कान कौलल मुमिनीना इज़ा दू इलल्लाह व रसूलिह लियहकुम बैनहुम अन यकूलू समेना व अताना व औलाइका हुमुल मुफ्लिहून। मेरे वीरो मेरे दोस्तों, नबी दी हदीस आ जाए ओदे ते इंज अमल करके विखाना, किसे दुनिया के दूसरे बंदे वाल नहीं वेखना। नबी दी हदीस से जो अमल करांगे रब इन्ने फायदे देवेगा, इन्ने फायदे देवेगा। शादी हो गई, ये बंदा जिहाद ते चला गया, अल्लाह ने शहादत नसीब फरमा दी थी। मेरे आका मैदाने उहद दे विचों सीधे इस बीबी के घर आए, आके आपने ताजियत की। ताजियत करन तो बाद मेरे महबूब ने उस घर च दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा जाल ऐशहा किद्दन किद्दा, अल्लाह ऐस अपनी बंदी दी ऐशो इशरत दे अंदर इन तंगी ना देवी, अल्लाह दे घर च फरावानियां कर दे। अल्लाह इन्हें तेरे पैगंबर दे फरमान नू मन लिया सी, अरशा वाले मैं तेरा महबूब तेरे को दुआ करना। इमाम कांदलवी हयात उस सहाबा च लिखे है बड़े बड़े अमीर ते गनी सहाबा दियां बीवियां भी मदीना तय्यबा दे अंदर ओ लोगो सखावत करने वालियां सन, लेकिन मदीने दी सरजमीन ते इस औरत तो वद के सखी औरत किसे अख ने नहीं वेखी जिन्नी सखावत अल्लाह दी राह दे अंदर ए औरत कर दी रही है। ऐजे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस नू मन लैन दे फायदे। अल्लाह अकबर। और आखिरी गल सुनो, मैं गुफ्तगू खत्म करा। नबी करीम अली सलातो सलाम दी हदीस से अमल इंज करना है मजबूत होके। किवें मजबूत होके? जिवें माँ उम्मे हबीबा ने किया है रजी अल्लाह ताला ना। सही मुस्लिम किताब सलातुल मुसाफिरीन दी हदीस है अम्मा जी उम्मे हबीबा। ये कौन ने अम्मा जी उम्मे हबीबा? ये सरदार अबू सुफियान की बेटी। एक दिन सरदार अबू सुफियान, इमाम ज़ाहबी सीयर च लिखे है, सरदार अबू सुफियान घर आए तो अम्मा जी उम्मे हबीबा ने ना बिस्तर नबी सलातो सलाम का बिछिया सी, ते अम्मा जी ने अख लगी अब्बा जी जरा ठहर जाओ, ठहर गए, बिस्तर आउट लपेट लिया उठा लिया। तो सरदार साहब कहन लगे पुत्र मापे धियां दे घर जान, धियां पलकां विछांदियां ने, ते पुत्र मैं बहन लगा सा ते तू आ मेरे थले बिस्तर चुक लिया, वजह की है? ते अम्मा जी फरमांदियां ने हाजा फिराशु रसूलिल्लाह, हाजा फिराशु रसूलिल्लाह व अन्ना कायम रो नजा सुन। अब्बा जी ये सारी कायनात सरदार नबी का बिस्तर है, ते सरदार नबी दे पाकीज़ा बिस्तर दे उत्ते नजस आदमी मैं किवें गवारा कर सकनी हाँ? इन्नमल मुशरिकूना नजसुन, मेरे वालिद जरूर हो लेकिन मुश
मुशरक नजस हुंदा, मैं नजस बंदा कायनात दे इमाम दे बिस्तर ते गवारा नहीं करांगी। नारे तकबीर सदाकत मसले के आले हदीस शान मुस्तफा। अम्मा जी मैं हबीबा बिस्तर उठा के सैर ते रख दे, सरदार जी बैठे खिदमत की चले। एओ माँ में हबीबा ने सही मुस्लिम दी हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन सल्ला इसनातई आशराता रकातन फी यौमे वलैलतन बुनिया लहू बेहिन्ना बैतुन फिल जन्ना। जिन्हें दिन रात च बारह रकतां पढ़ लिया, किनिया रकतां? सारे बोलो, होर उची बोलो, किनिया रकतां? बारह रखता। जिन्हें दिन रात च पढ़ लिया वमा यंते कौन हवा वाली जुबान तो जमानत है बन अल्लाह लहू बैतन फिल जन्ना, अल्लाह उस बंदे वास्ते जन्नत के अंदर घर बना देता है। और वो घर गुना और दिया कोठियां नहीं, ऐनुन जन्नत ऐसी चीज है माला ऐनुन रात वला उजुनुन समयत वला खतर फी कल्ब बशर। जन्नत ऐसी है किसी अख ने वेखी नहीं, किसे कान ने सुनी नहीं, किसे दिल च ओदा खटका भी कदी पैदा नहीं होया। लबे ना तुम मिन जहाबिन लबे ना तुम मिन फिज्जतिन, एक इट चांदी दी एक इट सोने दी व मिला तो हा अल मिसकुल अजफर, ते गारे दे तौर ते रब ने कस्तूरी इस्तेमाल की थी। ओ जन्नत जिदे विच ना चोर चोरनी आ ना नूई लेनी ना ती टोरनी आ, और जन्नत जिदे विच हमेशा जवानी, और जन्नत जिदे विच मछली दी मेहमानी। अल्लाह दी कसम वो जन्नत अल्लाह ने उस जन्नत दे विच घर बन जाना है। बारह रखता किनिया रखता? पहलियां दो रखता फजर तो पहला, फजर तो पहला किनिया रखता? पढ़ोगे पक्कियां? पक्की गल है दो रखता फजर तो पहला। और इन्हें दो रखता का मुकाम किन्ना? मेरे आका फरमाते हैं रकाता अल फजर खैरु मिन दुनिया व माफीहा। ओ गुन्ना उरियो पूरी दुनिया, पूरी दुनिया जो कुछ दुनिया च मौजूद है खजाइन ने जो कुछ भी है वे सारी दी सारी दुनिया मीजान के एक पलड़े च पा लै, दूजे मीजान दे पलड़े च फजर दियां दो रकतां पा लै। अल्लाह दी कसम मेरे महबूब ने फरमाया जन्नत फजर दियां दो रकतां दा वजन फेर भी ज्यादा है। सिर्फ दो रकतां फजर तो पहला आके पढ़नियां ने जड़ियां, ऐ दो रकतां चार जोर तो पहला, किनियां? चार जोर तो पहला। और मेरे आका फरमांदे ने अरबा रकातिन कबल जोहर, जोहर तो पहले चार रकतां। या दिल न सलात सहर, अल्लाह तहज्जुद दी नमाज दा अजर ते सवाब अता कर देंदे ने। किन्ना अजर? तीसरी हदीस इन्हां दो इन्हां चार रकतां दे बारे मेरे आका ने फरमाया मन सल्ला अरबा रकातिन कबल जोहर, जिन्हें जोर तो पहला चार रकतां पढ़ लिया हर्रमहुल्लाह अलन्नार, अल्लाह ने उस बंदे दे जिस्म नूं जहन्नम दी अग दे उत्ते हराम कर दिता है। किन्नियां रकतां हो गईयां? छे। दो जोर तो बाद किनिया हो गई? अठ। दो मगरब तो बाद, दो इशा तो बाद बारह। किनिया? बारह रखता। मन सल्ला इसना तैया शरात रकातन फी यौमे वलैलतन बुनिया लहू बेहिन्ना बैतुन फिल जन्ना। ओ इन्ना बारह रखता दे इवज दे अंदर मेरा रब तेरे वास्ते जन्नत च कोठी बना देवेगा। और सहाबा इकराम दी जिंदगी वे सहाबे इकराम ताबेईन तबा ताबेईन आइमा मुहद्दिसीन उन्हां दा वतीरा ते तुर इम्तियाज देवे समेना वाताना सुनिया सुन लिया ते मन लिया। अम्मा जी फरमादियां ने मात रख तो हुन्ना मुनजो समे तो हुन्ना मेरे रसूलिल्ला। ओ
वह लोगो जिस दिन की हदीस मैं कायनात दे इमाम को सुनी है उस दिन तो लैके अज तक उम्मे हबीबा दिया 12 रक्त चो कदी को रकत फौत नहीं जे हुई। और अम्मा जी उम्मे हबीबा को बयान करने वाले रावी का नाम है अंबसा अंबसांते ने। मैं जदों तो अम्मा जी को हदीस सुनी है अज तक मेरी भी कोई रकत नहीं रही। अंबसा को सुनने वाले रावी का नाम है अमर बिन आओस आते ने। मैं जिस दिन की हदीस अमर अंबसा को सुनी है अज तक मेरी भी कोई रकत फौत नहीं हुई। उन्होंने को सुनने वाले रावी का नाम है नुमान बिन सालिम आते ने। जिस दिन की यह हदीस मैं अमर बिन आओस को सुन लीए मात रखतो हुन्ना मुनजो समेत मिन अमर बिन आओस। जिस दिन की हदीस मैं अमर बिन आओस को सुन लीए अज तक 12 रक्त चो मेरिया भी कोई रक्त फौत नहीं हुई। ऐवे अमली जिंदगी नबी करीम अली सलातो वसलाम दी हदीस ते अमल डट के पैरा दे के एवें दा अमल कर लै इंशाल्लाह रब दुनिया भी आसान कर देवेगा अल्लाह आखरत दियां मंजिलां भी आसान कर देवेगा। और असी नबी करीम अली सलातो वसलाम दे मन लैन तो बाद आप दी हदीस तो बाद किसी होर दी लोड़ किसी होर दी जरूरत बुलंद आवाज नाल बोलो किसी होर दी जरूरत नहीं। जरूरत है साडा अकीदा साडा मनहज और सानू ते लोड़ कोई नहीं है लब के लियोन दी अल्लाह कसर छड़ी कोई नहीं है मदनी नू बनाउन दी साडियां ते लोड़ा थोड़ा मदनी मुका गया ओ साडियां ते लोड़ा थोड़ा मदनी मुका गया दीनी दुनियावी गल्लां सबे समझा गया लोड़ नहीं सुरैन दीती लोड़ नहीं सुरैन दीती उरां परां जान दी जग विच तुम पै गई है आमेना दलाल दी जग विच तुम पै गई है इन्नमा कान कौल मोमिनीन इज़ादो इल्लाह व रसूलही लियहकुम बैनहुम अन यकूलू समेना व अताना व औलाइका हुम अल मुफ्लिहून। यार जिंदा सोबत बाकी अल्लाह को दुआए अल्लाह मिनू ते तुहानू किताब व सुन्नत दे मुताबक अमल करन दी तौफीक नसीब फरमाए। अकूलु कौली हादा अस्तगफिरुल्लाह ली वलकुम वलिसाइर मुस्लिमीन सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह ये थे मोहतरम जनाब फजीलतुल शेख हाफिज़ अब्दुल रज़ाक अजहर साहेब जो अपने ख्यालात का इजहार फरमा रहे थे। एक ज़रूरी ऐलान है चौदह मार्च बरोज़ इतवार बाद नमाज़े मगरिब जामिया मस्जिद अल कासम अहल हदीस राजा रोड साधो की में एक दरसे कुरान प्रोग्राम मनक़द हो रहा है जिसमें जनाब कारी यासीन बलोई साहब खताब फरमाएंगे मगरब के बाद इंशाल्लाह। सारे साथी इत्थे जाया जी अल्हम्दुलिल्लाह।